नमस्कार दोस्तों, निफ्टिया चैनल पे आप तो देखिए, जैसा कि आपको समझाया था कि फिन निफ्टी से दूर रहिए, फिर भी जिद्दी ट्रेडर्स को मैंने बता दिया था कि 10 MA पे स्पोर्ट ले सकता है, तो सारा दिन बार बार 10 MA से स्पोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद अगर आए मिड कैप निफ्टी, तो मिड कैप निफ्टी में जैसा कि हमेशा ही मैं कहता हूँ कि 20 MA का फार्मूला, 20 MA से जरूर स्पोर्ट रहती है, कोई भी इंडेक्स स्टॉक मार्केट हो तो वो ली और अच्छी खासी रैली इसने दिखाई। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, नीचे फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है उसे जरूर क्लिक कर लीजिए। तो अब आते हैं हम सेंसेक्स पे। सेंसेक्स में जैसा कि आपको समझाया था 79,578 पे स्पोर्ट है 10 MA यहाँ, तो 10 MA से स्पोर्ट बहुत बढ़िया ली, तो आपने इसमें अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। इसी तरह गोल्ड, गोल्ड में आपको यहाँ पे जिसने बाय किया होगा यहाँ पे स्पोर्ट थी, तो वहाँ से भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया होगा। या ये प्रॉफिट बुकिंग जोन है, मैं पहले बता दूँ, ये प्रॉफिट बुकिंग जोन है 73,000 का। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब आते हैं रुपये पे। रुपया बार बार इसी एरिया से रेजिस्ट हो रहा है और नीचे की ओर बार बार जा रहा है, फिर यहाँ से बार बार स्पोर्ट ले रहा है, तो मतलब इसी रेंज में बार बार घूम रहा है। अभी रुपया फिलहाल नो ट्रेड जोन में है, बीच में है ना, तो नो ट्रेड जोन में। स्टॉक में अगर आए तो स्टॉक में आज एक ही चार्ट मुझे अच्छा लगा, वो है ल्यूपिन। पिन एंड फ्लैग बनाकर उस पर ब्रेकआउट दिया हुआ, ये देखिए पिन एंड फ्लैग, उसके ऊपर ब्रेकआउट आया हुआ है, तो इसकी आप स्टडी कर सकते हो। ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ हमारा काम है आपको चार्ट पैटर्न की नॉलेज देना। तो आइए अब हम आते हैं फिन निफ्टी पे। तो फिन निफ्टी जहाँ तक हो सके इग्नोर कीजिए, बिल्कुल ट्रेड मत कीजिए। जो जिद्दी ट्रेडर है उनको लिए बता दें कि बार बार फिन निफ्टी स्पोर्ट ले रही है 43,485 से, तो यहाँ पे एक स्पोर्ट है और स्टॉप लॉस रखिए 23,470 का या 60 का, ये स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और ऊपर के जो लेवल होंगे 558, 580 और 660, ऊपर 23,800 के आसपास काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से बार बार सेलिंग भी आपको देखने को मिल सकती है। तो ये था फिन निफ्टी का चार्ट बिहेवियर। अब आते हैं मिड कैप निफ्टी। मिड कैप निफ्टी ने भी वही किया जो फार्मूला कहता है चार्ट का, कि 20 MA से स्पोर्ट ली, कल फिर अगर कोई डिप आता है तो 20 MA पर को आप बाय कर सकते हो, और स्टॉप लॉस आपको 12,150 का रखना चाहिए। ऊपर जो टारगेट 12,338, 360, 420 और 460 के लेवल इंपॉर्टेंट होंगे। शॉर्ट कवरिंग जो बनेगी मिड कैप निफ्टी में वो बनेगी 12,460 के ऊपर। 12,460 के ऊपर जैसे ही आएगी तो तेज शॉर्ट कवरिंग बन सकती है, और ऊपर के जो लेवल होंगे 520 और 562 होंगे। फिर नेक्स्ट शॉर्ट कवरिंग बनेगी 620 के ऊपर, यहां मैं लिख देता हूं शॉर्ट कवरिंग, तो 620 के ऊपर बनेगी। फिर आपका एसएल होना चाहिए 12,550 का, और फिर इंपॉर्टेंट लेवल होंगे 760 और 812। तो ये था कंप्लीट प्राइस एक्शन मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी और सेंसेक्स का। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है जरूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।